लोकसभा चुनाव आते ही पश्चिम बंगाल में चुनावी समीकरण बदलने जा रहे हैं। जब विपक्षी दलों का इंडिया गठबंधन बना और राहुल गांधी, ममता बनर्जी व सीताराम येचुरी एक मंच पर आए तो लगा कि बंगाल में इस बार आमने सामने की लड़ाई को तो लगा कि बंगाल में इस बार आमने सामने की लड़ाई देखने को मिलेगी। अनुमान लगाया जा रहा था कि भाजपा और कांग्रेस, तृणमूल, वाम मोर्चा गठबंधन में सीधी टक्कर होगी, लेकिन वाम मोर्चे की अगुवाई करने वाली माकपा के राष्ट्रीय महासचिव सीताराम येचुरी ने दो टूक कह दिया कि वे बंगाल में तृणमूल से हाथ नहीं मिलाएंगे। इसके बाद कांग्रेस तृणमूल में गठबंधन की संभावनाएं पैदा हुई। कांग्रेस हाईकमान ने गठबंधन में दिलचस्पी दिखाई, मगर बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी इसके विरोध में है। उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री व तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी ने साफ कह दिया है कि वे कांग्रेस के लिए दो से अधिक सीटें नहीं छोड़ेंगी। परिणाम स्वरूप इन दोनों दलों में भी बात नहीं बनी। ममता ने अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। वहीं पिछले 10 मार्च को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में विशाल रैली कर अपने 42 प्रत्याशियों को एक मंच पर खड़ा कर दिया। तृणमूल से बात नहीं बनने पर कांग्रेस वाम मोर्चे में गठबंधन के आसार बने, लेकिन कांग्रेस की आरंभिक उदासीनता को देखकर वाम मोर्चे ने 16 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। हालांकि बाकी 26 सीटों को लेकर कांग्रेस के लिए दरवाजा खुला रखा। अब सूत्रों से खबर है कि आखिरकार वाम मोर्चा कांग्रेस में बात बनती दिख रही है। इससे आगामी लोकसभा चुनाव में बंगाल में त्रिकोणीय लड़ाई देखने को मिल सकती है। माकपा के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम ने एक निजी चैनल से बात करते हुए बताया कि कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर बातचीत सकारात्मक दिशा में बढ़ रही है और अगले 2-3 दिनों में निर्णय लिया जाएगा। बंगाल कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने भी इसी तरह के संकेत दिए हैं। इस गठबंधन में फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी ISF में भी शामिल होने की संभावना है।